नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर उपदू दास नायके की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्याग पत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए थे। 59 साल के प्रभाकर भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 39 टेस्ट और 130 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। मनोज प्रभाकर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी भी करते थे। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने भारत के लिए पारी की शुरुआत भी की थी। प्रभाकर दिल्ली क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच और दिसंबर 2015 में उन्हें 2016 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान ने उन्हें अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया था। इस साल ये टूर्नामेंट भारत में ही खेला गया था, जिसमें फाइनल में वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की थी। नेपाल क्रिकेट संघ के बयान के अनुसार प्रभाकर ने कहा, नेपाल में क्रिकेट के प्रति रुचि और उनकी प्रतिभा और कौशल स्तर को देखते हुए मैं वास्तव में नेपाल क्रिकेट टीम के साथ काम करने के लिए और उसे एक मजबूत टीम बनाने के लिए उत्सुक हूँ। हम आज इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनोज का करियर विवादों से घिरा रहा है। आपको बता दें कि मनोज प्रभाकर 90 के दशक में एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, जिसके जरिए ऐसे क्रिकेटर्स का खुलासा करना था जो कि मैच फिक्सिंग में शामिल होते थे। इस स्टिंग ऑपरेशन में कई खिलाड़ियों का नाम सामने आया था। हालांकि बाद में खुद मनोज प्रभाकर भी मैच फिक्सिंग के आरोपों के बीच में फंस गए और बीसीसीआई ने उन पर बैन लगा दिया। साल 2011 में जब वो दिल्ली क्रिकेट टीम के कोच थे तो उन्होंने सरेआम कई चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों की आलोचना की थी, जिसके चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले 1994 में उनकी धीमी बल्लेबाजी के चलते भारत 4 रनों से मैच हार गया था, जबकि भारत को जीत के लिए 9 ओवर में 63 रन चाहिए थे। इस मैच के बाद भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। क्रिकेट में करियर खत्म होता देख उन्होंने साल 1996 में राजनीति में भी कदम रखा। मनोज प्रभाकर ने कांग्रेस से टिकट लेकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी नई पारी का प्रदर्शन कैसा करते हैं और नेपाल क्रिकेट को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।